अस्सलाम वालेकुम, एक और वीडियो के साथ जुड़ते हैं। तो न्यूजीलैंड ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया ऑस्ट्रेलिया के लिए। उसमें उन्होंने टी ट्वेंटी खेले हैं जो कि 21 फरवरी से ऑस्ट्रेलिया में जाकर न्यूजीलैंड ने खेला है। तो उसने न्यूजीलैंड अपना टी20 का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं मिचेल सैटनर की, जो कि न्यूजीलैंड टीम के कप्तान होंगे। आपको पता है कि पहले तो विलियमसन करते थे, लेकिन विलियमसन या फिर साउथी विलियमसन इंजर्ड हैं, इस वजह से इस स्क्वाड में टी20 में नहीं होंगे। बाकी जो पिछला साउथ अफ्रीका का दौरा था न्यूजीलैंड के लिए, वहां पर भी मिचेल सैटनर ही कप्तान थे। अब न्यूजीलैंड ने जाकर ऑस्ट्रेलिया में खेलना, तो वहां पर भी मिचेल सैटनर ही कप्तान होंगे टी20 के, जबकि फिन एलन होंगे। फिन एलन जिस तरह से परफॉर्म करते हैं टी20 में, बहुत ही अच्छी पिक है इनकी। फिर होंगे ट्रेंट बोल्ट, जो कि अभी प्रीवियस ILT खेल रहे थे, लेकिन अब वो चले गए हैं अपने टीम में, क्योंकि ILT तो खत्म हो चुकी है। उसके बाद बात करते हैं मार्क चैपमैन, ये भी लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, ये भी अच्छा बैट्समैन है, मिडल ऑर्डर में आकर खेलता है। फिर आ जाता है जोस क्लार्सन, ये भी अच्छा है। उसके बाद आ जाता है डेवन कॉनवे, जो कि इनके विकेट कीपर बल्लेबाज है। और फिर आ जाते हैं लोकी फर्गुसन, जो कि 140-150 प्लस पर बॉल करते हैं, तेज बॉलिंग करते हैं। इसके थोड़ा इंजरी के प्रॉब्लम रहे हैं पहले पास में, लेकिन अब फिट हैं। एडम मिलान, ये भी फास्ट बॉलर हैं। ग्लेन फ्लिप्स, इनके ये ऑलराउंडर हैं, बैटिंग ऑलराउंडर हैं। जबकि रिचर्ड रविंद्रा, ये भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। फिर आ जाते हैं बेन सेरीज, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ इनका वो था अच्छी बॉलिंग की थी। बेन सेरीज लंबे कद के आदमी हैं। उसके बाद आते हैं इश सऊदी, जो कि लेग स्पिनर है। उसके बाद जाते हैं टिम साउथी और विल यांग। तो ये लड़के हैं न्यूजीलैंड के, जो कि ऑस्ट्रेलिया में जाकर खेलेंगे। 3 T20 मैचेस की सीरीज है, तो ये 21 फरवरी से शुरू होगी और दिन के तकरीबन 11:15-11:30 मैच शुरू होगा। तो वीडियो को एंड करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें और लाइक करना ना भूलें।